मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट सर्विस के ऊपर वीडियो बनाई है। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान जो है सीएसएस में जो ग्रुप होता है उसके ऊपर वीडियो बना दे जनाब, हमने वो वीडियो करनी है, हमने वो उस तरफ जाना है, हमने वो सर्विस करनी है, उसका सर्विस स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी हायरार्की क्या होती है, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ऑफिसर्स कहाँ कहाँ पर तैनात होते हैं, उनकी पोस्टिंग्स के रैंक्स के नाम क्या होते हैं, अगर वो किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएँ तब उनके नाम क्या होते हैं, इसकी हायरार्की किस तरह से है और सीएसएस में ये लोग किस तरह से आते हैं। बहुत से आपके सवाल जी, वो सवाल मैं आखिर पे जाके ऐड करूंगा आपकी वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जी कि मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट सर्विसेज में आप किस तरह से आ सकते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज यू नो, और उन मराहिल के बारे में आपको बताता हूं जो उस जॉब के लिए मुतय्यन होते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका मेरा रब्ता उस्तवार है और आप इस तरह से मेरी वीडियो से फायदा उठाते रहो। थैंक यू वेरी मच जी। एक तंबीह करना चाहूंगा, बहुत सी वीडियोज में करता होता हूँ, व्हाट्सएप पे आके आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, मैं आपके यूट्यूब कमेंट्स में जवाब दे दिया करता हूँ। व्हाट्सएप पे मैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के जवाब दूंगा। यूट्यूब कमेंट्स में मैं क्लियर कट लिख देता हूँ कि व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज। तो फिर आप लोगों की नाराजगी भी नहीं बनती और आप ऐसा करोगे भी नहीं। आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूं, पूरे पाकिस्तान से बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मैं सबके मैसेज देने बैठ जाऊं तो मैं कोई दुनिया का और काम नहीं कर सकता। इसलिए चूंकि मैंने ये सारा कुछ करना होता है इसलिए मैं माजरत चाहता हूं आपसे। वापस जी मौजू की तरफ, सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी, सीएसएस में आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बीए बीएससी इक्विवेलेंट आपकी तालीम होनी चाहिए, ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन। औरतें मर्द पाकिस्तानी शहरी तमाम अप्लाई कर सकते हैं। 28 से 30 साल आपकी एज है जी, आप अप्लाई कर सकते हो। आपकी नज़र 6x6 विद आर विदाउट ग्लासेस, आपकी चेस्ट हाइट विजन, तमाम चीज़ें NA है। NA मीन नॉट एप्लीकेबल, यानी ज़रूरी नहीं है। आपका जब फाइनल मेडिकल हो जाता है, आपकी बीमारी वगैरह कोई हो, आपको मसला हो, को बवासीर पाइल्स वगैरह, वो चेक कर ली जाती है, अदरवाइज आपका कोई ऐसा इशू नहीं है। आपकी सिर्फ और सिर्फ जहानत देखी जाती है, आपका नॉलेज देखा जाता है, आपका इल्म परखा जाता है, आप कितने वेल अवेयर हो अपने बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में और अपनी कम्युनिटी के बारे में, आपको कितनी हौनो है, कितने आप वेल अवेयर हो, अवेयरनेस देखी जाती है, नॉलेज देखा जाता है। सीएसएस में आपका कद छाती कुछ नहीं अहमियत रखता। गैर शादीशुदा और शादीशुदा दोनों आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेड 17 में आप आते हो, डायरेक्ट किसी भी महकमे में आपको लगाया जा सकता है। 70 से 80 हज़ार आपकी तनख्वाह होती है जी स्टार्ट में, 70 से 80 हज़ार तनख्वाह आपकी स्टार्ट हो जाती है। आपको गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, प्रोटोकॉल मिलता है, आपके पास बहुत सामला होता है काम करने के लिए। किसी ना किसी डिपार्टमेंट में आपने हेड के तौर पे काम करना होता है, डिपार्टमेंटल हेड, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट, सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में आप आते हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी में आप आ जाते हो और आप सर्व करते हो एज अ सिविल सर्वेंट। तो आप लोगों को बहुत सी प्रिविलेज और रियायत मराहत होती हैं। आपकी तमाम तालीमी इसनाद और आपके डोमिसाइल शनाख्ती कार्ड, CNIC, हर चीज़ अटैच हो जाती है फॉर्म के साथ। 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हर चीज़ लिखी होती है, उसी के मुताबिक आप चीज़ें अटैच कर देते हो। अप्रॉक्सीमेटली 10 आपकी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स लगती हैं और इस तरह से आपकी सबमिशन हो जाती है। अकलियतें भी अप्लाई कर सकती हैं, DC ऑफिस से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर आप अप्लाई करते हो। आपकी जब देखिए पोस्टिंग्स होती हैं आपकी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट में, तो आपकी पोस्टिंग्स के नाम क्या होता है सबसे पहले वो सुन लें। ग्रेड 17 में जब आप आते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के तौर पर, CEO, ग्रेड 3 ऑफिसर के तौर पर आप आते हो ग्रेड 17 में, यानी सोम दर्जे के आप ऑफिसर होते हो। CEO आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स नाम होता है कंटोनमेंट में, आप इसी ग्रुप के अंदर तैनाती की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेड 17 50,000 या इससे ज़्यादा नफूस पर मुश्तमिल आबादी की जो कंटोनमेंट होती है वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। CEO आपका थर्ड क्लास, आप वहाँ पे अप्लाई हो जाते हो ग्रेड 17 में। जब आप ग्रेड 18 में आ जाते हो तो आप CEO ग्रेड 2 हो जाते हो, यानी क्लास 2 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कंटोनमेंट आप भर्ती हो जाते हो, आप वहाँ पे पोस्टिंग हो जाती है आपकी, आप वहाँ पे सर्व करते हो ग्रेड 18 में, सीनियर हो जाते हो। उसके बाद जब आप ग्रेड 19 में आ जाते हो CEO के तौर पर क्लास 1, यानी क्लास 1 CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्लास 1, 1,00,000 या उससे ज़्यादा आबादी नफूस वाले इलाका में कंटोनमेंट में आपको पोस्टिंग दी जाती है। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, जब इनके अपने ग्रुप में आप पोस्टिंग होती है, जब आप दूसरे किसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है वो अलग से नाम बताऊंगा। उसके बाद जब आप ग्रेड 20 में आ जाते हो तो आप डायरेक्टर बन जाते हो जी, मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट के डायरेक्टर के तौर पे आप काम कर रहे होते हो ग्रेड 20 में, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है। जब आप ग्रेड 21 में आ जाते हो तो फिर आपकी पोस्टिंग का नाम हो जाता है DG या एडिशनल डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट।
के तौर पे आप काम करते हो। उसके बाद जी आप ग्रेड 22 में आ जाते हो, डायरेक्टर जनरल डीजी के तौर पे काम करते हो, डायरेक्टर जनरल एमएलसी के तौर पे काम करते हो, या मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डायरेक्टर जनरल। उसके बाद जी आप दूसरे महकमों में जब आप आ जाते हो, उसके साथ साथ आपकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, तो वो गौर से सुन लें आप किस किस तरह से क्या क्या पोस्टिंग्स आपकी होती हैं। ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर या एसी के तौर पे, असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे आप काम करते हो दूसरे डिपार्टमेंट्स में। ग्रेड 18 में जो है आप काम करते हो एज अ डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के तौर पे। ग्रेड 19 में आप काम करते हो मेंबर रेवेन्यू के तौर पे कर सकते हो, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हो, या असिस्टेंट चेयरमैन के तौर पे आप काम कर सकते हो। ग्रेड 20 में जब आप आ जाते हो, सीनियर हो जाते हो, तो आप स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हो, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हो, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तौर पे काम कर सकते हो, मेंबर एफबीआर के तौर पे काम कर सकते हो, या अगर आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओ तो फिर आप कमिश्नर के तौर पे भी काम कर सकते हो, कमिश्नर रेवेन्यू के तौर पे काम कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाते हो ग्रेड 21 में, दीगर महकमों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि महकमा अनहार है, जंगलात है, औकाफ है, वापटा है, एजुकेशन है, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग्स हो जाती हैं सीएसपी अफसरान की। तो जब आप ग्रेड 21 में आ जाते हो, बहुत सीनियर रैंक हो जाता है, तो आप एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकते हो, चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर सकते हो, डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम कर सकते हो, स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर सकते हो, छोटे सूबों में गिलगित बल्तिस्तान फाटा और एजेंसीज में चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हो। उसके बाद आप आ जाते हो ग्रेड 22 में, ग्रेड 22 में आप चीफ सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकते हो किसी भी जगह पे, पूरे पाकिस्तान के किसी भी बड़े सूबे में, पंजाब में लग सकते हो, सिंध में लग सकते हो। उसके बाद जब आप बरून मुल्क आपकी पोस्टिंग हो जाती है, आप हाई कमीशन के तौर पे काम करते हो, आप एम्बेसडर के तौर पे काम करते हो, यानी आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उसी तरह से लगाया जा सकता है जिस तरह से उन डिपार्टमेंट्स के हेड काम कर रहे होते हैं। ये मैं आपको बहुत सी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि माजवाए पुलिस ग्रुप के आप तमाम ग्रुप्स में सर्व कर सकते हो, बाकी सारे ग्रुप्स वाले लोग, और जो पुलिस वाले होते हैं वो बाकी सारे ग्रुप्स में सर्व कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी सीएसपी ऑफिसरान की तरह ही क्राइटेरिया होता है, लेकिन उनके पास चूंकि पुलिस की स्पेशल ट्रेनिंग और सर्विसेज होती है, उन्होंने पुलिस का लॉ पढ़ा होता है, पुलिस रूल्स पढ़े होते हैं, पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ा होता है, सीआरपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल, हर चीज उन्होंने पढ़ी होती है, इसलिए वो सिर्फ पुलिस ग्रुप में वही लोग सर्व कर सकते हैं जो पीएसपीज होते हैं, यानी पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स। बाकी तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं वो पुलिस में जॉब नहीं कर सकते, बाकी महकमों में कर सकते हैं, और पुलिस वाले बाकी तमाम महकमों में भी काम कर सकते हैं, और पुलिस ग्रुप में सिर्फ पुलिस वाले ही काम करेंगे। अब आप गौर से सुन लीजिए जी कि जी किस तरह से आपने करना है। हम जी तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप मुझसे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो जी, बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टीचर से आप गाइडलाइन ले सकते हो। कौन से सब्जेक्ट रखें जी ये बता दें प्लीज़। मैंने आपको क्लियर कट बता चुका हूँ, बहुत सी वीडियो में बता दिया हुआ है, फिर से बता देता हूँ बेटा, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करनी है, सेकेंड क्लास डिग्री, जो मर्जी सब्जेक्ट लो। CSS में अप्रॉक्सीमेटली 60-70 के करीब सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट में से आपने चॉइस करना होता है, लिहाजा आप जो मर्जी सब्जेक्ट रख के बीए कर लो, नो प्रॉब्लम। ग्रेजुएशन आपकी मुकम्मल होनी चाहिए, सेकंड क्लास डिग्री। अगर ग्रेजुएशन में सेकंड क्लास डिग्री नहीं है तो फिर आपकी एमए की सेकंड क्लास डिग्री चल जाती है। मुझे कोई एक बुक बता दें जी, मैंने CSS करना है। माशाल्लाह आपका वही सवाल जी, बहुत कॉमन सवाल। एक बुक से CSS नहीं होता पुत्र, CSS is a gigantic task, not a cup of tea. So you have to prepare accordingly, और आपको इससे मुकम्मल तैयारी करनी होगी, बहुत सी बुक्स पढ़नी होती हैं, you have to gain a lot of knowledge on several topics, आपको बहुत सा पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मैं BA कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँ जो आगे जाके मुझे CSS में मदद करें, मैं आपको बता चुका हूँ क्लियर कट बेटा, जो आपको पसंद है, जिनसे आप ज़्यादा नंबर ले सकते हो, जो आपको अंदर से पढ़ना अच्छा लगता है। इस पे मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं CSS पे, आपने कि CSS करना क्या है, CSS एक्चुअली होता क्या है, सब्जेक्ट सिलेक्शन के तौर पे बहुत सी वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं कि आपने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। तनख्वाह कितनी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ जी, 70 से 80 हज़ार के दरमियान आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है ग्रेड 17 में, वही तमाम मरात आपको हासिल होती हैं। हम रेगुलर दोबारा से पढ़ सकते हैं जी CSP बनने के बाद? बिल्कुल नहीं जी, आप रेगुलर नहीं पढ़ सकते। क्या हम कोई अपना काम कर सकते हैं? आपके यही सारे बार बार रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, नहीं कर सकते भाई, कोई काम नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हम कंप्यूटर पर बैठ के काम कर लें, हम कोई फिजिकली जाके काम नहीं करेंगे, हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं। तो भाई मैंने आपको बता चुका हूँ क्लियर कट कि आप कर सकते हो अपने तौर पे, अगर पता चल जाए तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, बिकॉज आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, कोई दीगर काम नहीं कर सकते। तो ये थी जी मेरी वीडियो के मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट ऑफिसर के तौर पे आप CSS में किस तरह से काम करते हो।
उनकी मैंने आपको हायरार्की बता दी, डिटेल बता दी। इंशाल्लाह ताला अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पोस्टल ग्रुप में ये सारे काम कर सकते हैं और पोस्टल ग्रुप क्या होता है। ये बारी बारी मेरी सारी वीडियोज आती जाएंगी, देखते रहिएगा। 12 के 12 ग्रुप्स के ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।